मारवेड़ से बता रहे हैं और हमारे कॉलेज मेट भी रहे हैं और काफी दिनों बाद शायद कॉलेज के बाद अभी मिलना हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, ये आपका अपना परिवार दौड़ा रही धरती से आए हैं सर, मारवाड़ की भूमि से। अशोक जी, अशोक जी, दिल खुश हो जाता है जब बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर से जब इस प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है राजस्थान का सही विकास हो रहा है। सरस्वती गोवंदन, मेरी जर्नी शुरू होने से पहले मैं मेरा परिचय बताता हूँ। मैं रमेश बेनीवाल बाड़मेर की पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेड़वा तहसील से बिलोंग करता हूँ। हम सुन सर, अशोक जी, सुनील सर क्लासमेट रहते ग्रेजुएशन में, उसके बाद में आसपास सभी एपी बन गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, अशोक जी बन गए, सूरज जी बन गए, हनुमान जी गुजार बन गए, आशू जी देवासी बन गए, लेकिन हमारी थोड़ी स्थिति अलग थी। ये दिल्ली चले गए थे, हमारे पास इतना कुछ संसाधन नहीं था, ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, केवल बारिश के समय ही बाजरी होती है, इसके अलावा कोई दान होता ही नहीं। बिल्कुल सत्य का आसरा, केवल वो भी बारिश पर निर्भर करता है। खेत खुल गए लेकिन रोटी ले, इस पर और कुछ होता नहीं। तब परिस्थितियाँ कुछ और थी, तैयारी कर रही थी, साथ साथ में 2018 मेरा रीट में सिलेक्शन हो गया था, तो रीट में सिलेक्शन होने के बाद में मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। तभी 2018 में भर्ती आई थी अपने स्कूल लेक्चर की, उसमें एग्जाम किया था लेकिन प्रथम पेपर की वजह से मैं पीछे रह गया था। इस बार मेरी रैंक थोड़ी कम रही, वो मेरी गलती की वजह से रही। गलती ये थी पिछले पेपर में प्रथम पेपर पीछे रह गया था, इस बार मैंने क्या किया केवल प्रथम पेपर पर फोकस किया था और सेकंड पेपर क्या किया केवल केवल पुराने आरबीसी पेपर अरिंद के पेपर ही मिलाए थे, इसके अलावा न तो नोट्स वापस रिपीट किए, केवल और केवल जो अपने आरबीसी पेपर थे ना और ये अरिंद के पेपर वो ही मिलाए थे। और पुराने समय में एक बार मैं बदन जी सर से बड़ा हुआ था तो वो मैंने रिपीट किया था और अंतिम रूप से 360 रैंक से चयन हो गया, और इसलिए मैं इनका इन्होंने आज यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत